इंदौर में पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने लूट का माल भी बरामद किया। दरअसल मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र के सुपर कॉरिडोर का है, जहां तीन अज्ञात बदमाशों ने कार में बैठे दंपत्ति से चाकू की नोक पर पर्स लूटा और फिर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस थाने में मामले की शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई खुलासे होने की भी उम्मीद है। से कुछ पैसे छीनने की एक शिकायत आई थी और तत्काल उन्होंने जब पुलिस को बताया तो पुलिस की जो डायल 100 है और स्थानीय गांधीनगर थाने की पुलिस ने इन लोगों का जानकारी के आधार पर पीछा करके पकड़ा और लगभग इसमें तीन आरोपियों की पहचान करके उन्हें पकड़ा गया। और न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि जो पैसे गए थे वो तत्काल जब्त भी हो गए। इन तीनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। तीनों आरोपियों में से एक आरोपी देवास का है, बाकी दो आरोपी यहाँ के हैं। पूर्व का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने घटना की है हो सकता है पूर्व में भी सक्रिय रहे हों यहाँ या किसी अन्य जिले में। इसके बारे में पुलिस सख्ती से पूछताछ करेगी।